मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने बताया था आपको, लास्ट टाइम बताया था आपको कि खुले या बंद आर्गन पाइप में विषम संनादि उत्पन्न होते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि खुले आर्गन पाइप में सम विषम दोनों संनादि उत्पन्न होते हैं, यानी कि इवन ऑड हार्मोनिक जनरेट इन ए ओपन आर्गन पाइप। आपको प्रूव करना है इवन एंड ऑड हार्मोनिक इन ओपन आर्गन पाइप। मान लीजिएगा एक आपके पास खुला आर्गन स्मॉल एल लंबाई का एक खुला आर्गन पाइप है। जब इसके मुख सिरे पर विभिन्न आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो इससे विभिन्न आवृत्ति के स्वरूप उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम संनादि कहते हैं। व्हेन वी जनरेट द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एट द एंड ऑफ द आर्गन ओपन आर्गन पाइप देन जनरेटेड डिफरेंट टोन्स नोन एज ए हारमोनी। जब इसमें हम मुक्त सिरे पर धीरे से फूंक मारते हैं, यानी कि खुले सिरे पर धीरे से वैसल देंगे तो खुले सिरों पर प्रस्पंद और बीच में निस्पंद प्राप्त होगा। ओपन एंड पे आपको एंटी नोड फाइंड होगा और मिडिल में क्या होगा, नोड फाइंड होगा। जैसा आपको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई टू, यानी दो प्रस्पंदों के बीच की, दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बाई कितनी होती है, टू होती है। तो यह आएगा बेटा लैम्डा वन बाई टू इक्वल्स टू एल, तो एल इक्वल लैम्डा वन बराबर होगा टू एल और एन वन बराबर आएगा वी अपॉन लैम्डा वन, तो एन वन बराबर आएगा वी अपॉन टू एल। इक्वेशन नंबर टू, ये जो है ध्यान दीजिएगा आपके पास जो है एन वन को मूल स्वरा क्या प्रथम संनादि कहते हैं। N1 को हम मूल स्वरा क्या प्रथम संनादि कहेंगे, N1 को मूल स्वरा क्या प्रथम संनादि कहेंगे। जब खुले आर्गन पाइप पे खुल मुख सिरे पर आप थोड़ा तेजी से फूंक मारते हैं, यानी थोड़ा तेजी से वेसल मारेंगे,
तो आपको एक दो तीन प्रस्पंद, एक दो दो प्रस्पंद, दो निष्पंद और तीन प्रस्पंद पॉइंट मिलेंगे, यानी कि एक दो तीन एमपी नोड होंगे और टू क्या होंगे, नोड होंगे। तो देखिए ये लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा बाई टू, टोटल क्या हो गया, टू लैम्डा टू बाई टू हो गया। तो यहाँ से आएगा टू लैम्डा टू बाई टू इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा टू इक्वल्स टू आएगा टू एल अपॉन टू इक्वेशन नंबर वन के बाद, टू के बाद थर्ड आ गया एन टू इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्डा टू, एन टू इक्वल्स टू टू बी अपॉन टू एल, बी अपॉन टू एल का मतलब हो गया एन वन यानी टू एल वन। आप एन टू को प्रथम अधिस्वरा क्या भक्ति संधि कहेंगे, एन टू को फर्स्ट वर्ड टोन और सेकेंड हारमोनिक, फर्स्ट वर्ड टोन और सेकेंड हारमोनिक। जब इसके मुंह से पर थोड़ा और तेजी से फूंक मारते हैं यानी फ्री एंड पर थोड़ा और तेजी से वेसल देंगे तो आपको ए वन टू थ्री फोर यानी फोर एंटी नोड और वन टू थ्री नोड फाइंड होंगे, यानी चार निष्पंद होंगे, चार प्रस्पंद होंगे, चार प्रस्पंद और तीन निष्पंद होंगे, यानी लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, टोटल कितना हो गया, थ्री लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू हो गया। तो यहाँ से आएगा थ्री लैम्डा थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा थ्री इक्वल्स टू आएगा टू एल अपॉन थ्री इक्वेशन नंबर फाइव, एन थ्री इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्डा थ्री, तो एन थ्री इक्वल्स टू होगा थ्री बी अपॉन टू एल, बी अपॉन टू एल जो हो गया एन वन की वैल्यू होती है बेटा, तो एन थ्री इक्वल्स टू हो गया थ्री एन वन, इक्वेशन नंबर हो गए सिक्स। अब आप एन थ्री को बोलेंगे क्या नाम है, द्वितीय अधिस्वरा क्या, तृतीय संनाति, सेकेंड हारमोनिक, सेकेंड ओवर टोन और थर्ड हारमोनिक बोलेंगे आप। तो इस प्रकार से देखिएगा, फर्स्ट स्टेज में जो एन वन फाइंड होता है इसको बोलते हैं मूल स्वरा क्या, प्रथम संनाति, यानी कि फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हारमोनिक। एन टू को बोलते हैं सेकेंड ओवर टोन और सेकेंड हारमोनिक यानी द्वितीय अधिस्वरा क्या आया, द्वितीय संनाति। एन थ्री को बोलते हैं द्वितीय अधिस्वरा, इसको बोलते हैं द्वितीय अधिस्वरा क्या, तृतीय संनाति, यानी सेकेंड ओवर टोन और थर्ड हारमोनिक। तो देखिएगा ये फंडामेंटल टोन है, ये फर्स्ट ओवर टोन है और ये आपकी सेकेंड ओवर टोन है, यानी फर्स्ट हारमोनिक, सेकेंड हारमोनिक, थर्ड हारमोनिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स है, इसके बाद का टॉपिक आता है बेटा आपका, इसके बाद का टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा, एंड करेक्शन यानी अंत संशोधन क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड रेले, उन्होंने बताया था जो प्रस्पंद बनते हैं ठीक मुक्त सिरे पर ना बनकर मुक्त सिरे से थोड़ा बाहर बनते हैं, तो मुक्त सिरे और प्रस्पंद के बीच की दूरी जो होती है उसे एंड करेक्शन कहते हैं। जो एंटी नोड जनरेट एट एक्यूरेट नॉट जनरेट एट द फ्रेंड एंड अपर द फ्रेंड आउटसाइड ऑफ द फ्रेंड, एंटी नोड जनरेट आउटसाइड ऑफ द फ्रेंड, आउटसाइड ऑफ द फ्रेंड, द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड फ्रेंड नोन एज ए एंड करेक्शन, नोन एज ए एंड करेक्शन। तो देखिएगा केस फर्स्ट, पहले बंद आर्गन पाइप का संशोधन, एंड करेक्शन इन क्लोज आर्गन पाइप। Yeah.
सेक्शन यानी ज्ञान संशोधन को स्मॉल ई से डिफाइन करते हैं तो ये होगा बेटा एल, ये हो जाएगी डिस्टेंस आपकी लैम्डा बाय 4। तो यह आएगा आपके पास लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल प्लस स्मॉल ई। तो लैम्डा इक्वल टू होगा 4 इंटू एल प्लस स्मॉल ई। इक्वेशन नंबर 1 एन इक्वल टू आएगा बी अपॉन लैम्डा, तो एन इक्वल टू होगा बी अपॉन 4 इंटू एल प्लस स्मॉल ई। ये एंड कलेक्शन आ गया आपका क्लोज आर्गन पाइप के लिए। अब केस सेकंड देखिएगा, एंड कलेक्शन यानी ज्ञान संशोधन खुले आर्गन पाइप के लिए। ये होगा बेटा लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू होगा एल प्लस 2 ई होगा। लैम्डा इक्वल्स टू 2 इनटू एल प्लस क्या होगा 2 ई आएगा। एन इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्डा, तो एन इक्वल्स टू आएगा बी अपॉन 2 इनटू एल प्लस 2 ई है। ये जो आपके पास आ गया है एंड करेक्शन आया है खुले आर्गन पाइप के लिए यानी ओपन आर्गन पाइप के लिए। यहाँ दोनों सिरों में यहाँ पे ई होगा, यहाँ पर ई होगा, दोनों खुले सिरों पे एंटी नोड आपका क्या नाम एंड करेक्शन होगा। तो एंड करेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड फ्री एंड नोन एज ए एंड करेक्शन। यानी वैज्ञानिक लॉर्ड रेले के अनुसार प्रस्पन ठीक मुक्त सिरे पर ना बन के मुख सिरे से थोड़ा बाहर बनते हैं तो मुक्त सिरे और प्रस्पन के बीच की दूरी को अंत संशोधन कहते हैं, स्मॉल ई से निरूपित करते हैं। The distance between anti node and free end, open free end, a free end known as a end correction is denoted by small e। तो बेटा ये था आपका खुले बंद आर्गन पाइप का अंत संशोधन और ये था खुले आर्गन पाइप का अंत संशोधन। ये है आपका क्लोज आर्गन पाइप का एंड करेक्शन, ये है आपका ओपन पाइप का एंड करेक्शन। तो सभी लोग बेटा होमवर्क करेंगे, होमवर्क करके भेजेंगे और डेली डेली कॉपी करेंगे, उसको चेक कराएंगे आकर के आप। थैंक यू बेटा।